हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही, अपने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए विजयभव सीरीज़ की शुरुआत की है UPGK, और इसे UPGK से 500 प्रश्न आपको हम करवाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 500 प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो वीडियो री एग्ज़ाम में UPGK के संबंध कोई भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले सेट वन में आपको करा चुका हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। टॉपिक था प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था से 10 से 15 क्वेश्चन और आज हम कराएंगे। उसके बाद भौगोलिक स्थिति जो उत्तर प्रदेश की, उससे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। इस सभी प्रश्नों में UP SSSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन उसने पूछे, उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। और इसका जो PDF अगर हम बात करेंगे तो, जैसे कि हमने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ग्रुप वीडियो नोट्स के लिए स्पेशल, जिसमें आपको हिंदी और GK के नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी इसका जो PDF है, बाकायदा क्वेश्चनों के साथ डिटेल भी जोड़ी जाएगी, वहाँ आपको जो PDF मिलता रहेगा। तो उस लिंक के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ग्रुप वाइज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में मेयर और तथा चेयरमैन के पद के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है, नगर निगम के लिए मेयर या जो है महापौर का चुनाव होता है, जो नगर पालिका होती है, जो नगर पंचायत होती है, उनमें चेयरमैन का चुनाव होता है। इसके जो चुनाव है हाल ही में जो है कराए जा रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है परीक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। तो उसका जो आंसर क्या होना होगा, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, तो अगर नगर निगम में अगर आप महापौर के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या मेयर के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार नगर पालिका में जो चेयरमैन का चुनाव होता है उसके लिए भी क्या 30 वर्ष आपकी जो है उम्र होनी चाहिए कम से कम। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पार्षद सभासद पद हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि नगर निगम जो होता है, जो नगर निगम में अब पार्षद होते हैं, सभासद होते हैं आपके नगर पालिका में, नगर पंचायत में सभासद पद हेतु, तो उनके लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन आपके 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21 वर्ष जो है न्यूनतम आय होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये ध्यान रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रदेश में नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश में नगर निगम है और उत्तर प्रदेश में, जैसे आप सभी को ये पता ही होगा, मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 17 नगर निगम है। ठीक है, 17 नगर निगम है। ठीक है, उसमें जो मेयर का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। ये ऑप्शन है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, नगर निगम कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सीधे जनता जो निर्वाचक होते हैं वो ही उनके द्वारा जो है इसका चुनाव होता है मेयर के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम जो आय है वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, या सदस्य का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जैसे होते नहीं ग्राम पंचायत सदस्य, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपकी जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है 33% यानी 1/3 जो है आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो 50% तक आरक्षण दे रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो है 33% आरक्षण ही है। संभावना जताई जा रही है कि इसे भी 50% करने का सरकार का विचार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू। ये क्वेश्चन जो है कई बार
क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विस्तरीय त्रिस्तरीय उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था है, जिसमें जैसे आपको पता होगा जिला पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत और आपका है ग्राम पंचायत, ठीक है, तीर जो है स्तरीय है आपकी, तो ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। बलवंत राय मेहता की समिति के जो है द्वारा ही इसको जो त्रिस्तरीय पंचायत किया गया था, जैसा आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, ग्राम सभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसके ऑप्शन आप 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षाओं में अब पूछा गया, यूपी टप्लेसी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। देखिए ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, वो सदस्य ग्राम सभा के जो वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। और वोटर लिस्ट में किसका नाम होता है, जिसका 18 वर्ष से अधिक से एज होती है, 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए उसकी, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, जितना अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो ग्राम सभा का सदस्य है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में दिए गए जिलों में लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि आप सभी को मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, उस वीडियो का आप अवश्य देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं या संभाग हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 18 मंडल की यहाँ बात हो रही है लखनऊ मंडल में, तो हर मंडल में 1, 2, 3 या 4 से 5 से जिले होते हैं, ठीक है, तो इसमें लखनऊ मंडल के अंतर्गत ऐसा कौन सा जिला है जो नहीं आता है, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई या बाराबंकी, तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता, बाराबंकी आता है आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जो है आपका मंडल है उसके अंतर्गत ये आता है बाराबंकी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री की पद पर रही, अभी तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला हैं जो रही हैं मुख्यमंत्री के पद पर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस में, तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 2। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं हैं जो आपकी मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, सबसे पहले सुचेता कृपलानी, जैसे आपको पता होगा ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की, ठीक है, उसके बाद मायावती जी रही हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें, 2 ही महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और मायावती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, मायावती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री बने कौन हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, जिन्हें बीपी सिंह भी बोल देते हैं कभी कभी शॉर्ट में, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये इलाहाबाद से थे यानी कि प्रयागराज से, ये जो है भारत के 8वें जो है पीएम बने हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बाकी ऑप्शन में ये जो मुख्यमंत्री रहे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है, नायर दत्त तिवारी उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल या संभाग कौन सा है, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है, जिसका जो है स्थापना 2008 में ये बना था, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है बड़े ध्यानपूर्वक आपको करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बार बार इन क्वेश्चनों को देखते रहना है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा है, गोलाकार, वर्गाकार, लंबवत, अंडाकार, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो आपका कैसा है, लंबवत है इस प्रकार का, जैसा कि आपने देखा होगा मानचित्र में, ठीक है, तो उसका आंसर सी ऑप्शन हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो हम जरूर बताएंगे, इसका आंसर जो सही हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 240,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो
भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.33% जो है क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल। पूरे भारत के क्षेत्र की हम तुलना करें उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। देखो पिछले क्वेश्चन हमने चर्चा की थी तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो पहला है, और क्षेत्रफल दृष्टि से हम भारत सभी राज्यों में तुलना करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए देखिए, वीडियो अगर पसंद आते हो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट भी करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। ऑप्शन में है कन्नौज, हाथरस, नोएडा, संत रविदास नगर, भदोही। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, संत रविदास नगर, इसे भदोही भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ये भी ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं कई बार जो है अलग अलग बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पर इसका आंसर हापुड़ भी जो दिया गया है। ठीक है, हापुड़ को भी कहीं कहीं माना गया है, लेकिन संत रविदास नगर भदोही जो है सबसे कम क्षेत्र वाला जनपद है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। आप जो उत्तर प्रदेश के जो सीमा है भारत के अन्य राज्यों से अगर हम बात करें तो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा ही नहीं हुई है। सिर्फ पूछे अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने अन्य राज्यों से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश सीमा, तो सिर्फ 8 ही आप बताएंगे। कौन कौन से 8 राज्य हैं याद रखेंगे आप, राजस्थान, ठीक है, MP से लगती है, जो सर्वाधिक सीमा MP से ही लगती है, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आपका बिहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 4-8 जो राज्य से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वो कौन सा है, वो आपका है दिल्ली। तो ये ध्यान रखेंगे, टोटल 9 राज्यों से लगती है, सभी राज्यों की तुलना करेंगे हम। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश सहित लगती है तो 9 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, परेशान हो इसके जो पूरी जो डिटेल है ना, मैं नीचे बिल्कुल ऐड कर दूंगा आपको, बिल्कुल सब चीज़ ऐड करके बाकायदा नोट नीचे लिख करके उसके बाद ही आपको ये PDF जो है अप्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे लिंक दे रखा है, कुछ फीस भी रखी है जिससे ये नोट्स जो आप पढ़ें अच्छी तरीके से पढ़ें, ज़्यादा फीस भी नहीं, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम चर्चा करें, सिर्फ नेपाल देश से लगती है और उसकी जो लंबाई है कितनी सीमा लगती है, 979 किलोमीटर, और 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं, जिसमें थोड़ा हम बताए थे जैसे महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज आपका है, सिद्धार्थ नगर, मैं बाकायदा आप नीचे डिटेल कर दूंगा यार, परेशान ना हो। ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती आपका, ठीक है, बहराइच और लखीमपुर और आपका पीलीभीत, ये जो राज्य हैं 7 वो आपके जो है सीमा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक भारतीय सभी राज्यों से स्पर्श करती है सर्वाधिक, निम्न में से कौन सा राज्य में शामिल नहीं है। मैंने अभी बताया था कि 8 राज्यों से सीमा जो है बनाती है टोटल, और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करें तो 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो इसमें कौन से 7 नहीं लगती है, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो इसको उड़ीसा के साथ नहीं लगती है और बाकी की मैंने अभी बताए थे 8-9 राज्य सभी के साथ लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार की सीमा पर स्थित है, बलिया, बस्ती, बांदा, बुलंदशहर, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आयोग द्वारा। ठीक है, ध्यान, बलिया, बस्ती, बांदा, बुलंदशहर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बलिया। जो बलिया है वो आपका बिहार से सीमा बनाता है, और बिहार से अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है सीमा बनाते हैं।
सात जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? सोनभद्र आपका एक तो बनाता है, ठीक है, एक चंदौली बनाता है, गाजीपुर, बलिया, बलिया तो बता दिया, ठीक है, देवरिया और आपका कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है। तो ये जो सात ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं नीचे बिल्कुल डिटेल के साथ ये पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है, परेशान हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा ज़िला नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा ज़िला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज। मैंने अभी बताया था नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, मैंने आपको बताया था सात ज़िले लगते हैं, तो इनसे कौन सा ज़िला नहीं लगता है? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीतापुर, ये ऑप्शन। सीतापुर की जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती, और बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, इन सभी की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा ही पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है स्थित है, आता है, ठीक है। तो उसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सभी को पसंद आ रहे होंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? सबसे पहले एक बात समझ लेना, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, ठीक है, ध्यान रखें। और मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले लगते हैं, मध्य प्रदेश के जो 11 उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके ऑप्शन क्या है, इटावा, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़, ये अलीगढ़ जो है सीमा नहीं बनाता है, और बाकी इटावा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद सीमा बनाते हैं। और भी कुछ ज़िले हैं जिसमें अगर हम बात करेंगे, आगरा, ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, और बांदा, चित्रकूट, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ठीक है, सोनभद्र, ये जो ज़िले हैं 11 ज़िले सीमा बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी साझा मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन सा ज़िला निम्नलिखित राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है? मथुरा, आगरा, इटावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इटावा, इटावा नहीं सीमा बनाता है, ठीक है। और राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा, राजस्थान के साथ जो है मथुरा आगरा दोनों जो है सीमा बनाते हैं। तो ये ध्यान, दो ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ, मथुरा और आगरा, ठीक है। आगरा एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश से भी ज़िला बना सीमा बनाता है और राजस्थान से भी बनाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछ लिया है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक जो है राज्यों से सीमा बनाता है, जैसे मैंने बताया था कि 8+1 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बात हो रही है। तो उसका जो सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खीरी, लखीमपुर खीरी जो ज़िला है, ठीक है, लखीमपुर जो खीरी है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी कि उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है, ऐसा कौन सा ज़िला है उत्तर प्रदेश का? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो जो है तीनों राज्यों से, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी ज़िले का क्रम से कौन सा है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, ये पूछा जाता है। क्रम से आपको कौन कौन से बताने, पूर्वी, बलिया और शामली आपका हो जाएगा पश्चिमी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला आपका शामली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसका PDF जब मैं आपको दूंगा तो बाकायदा मैं डिटेल आपको जोड़ूंगा, डिटेल जोड़ दूंगा बाकायदा, बहुत अच्छी तरीके से नोट लेकर के नीचे बाकायदा मैं PDF आपको तब टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रम से कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन से हैं। 77वें क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि भाई पश्चिमी और पूर्वी जिला कौन से, यहाँ क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रम से कौन से हैं। तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सहारनपुर और सोनभद्र, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है और दक्षिणी जिला है वो आपका सोनभद्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आगरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के राज्य से लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, 11 जिले जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होकर ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन जो है UPGK के हिसाब से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से लगते हैं, 7 जिले लगते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, शाहपुर, ललितपुर। तो इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा और इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोनभद्र। जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने, 4 राज्यों से, कौन कौन से, बिहार से सीमा बनाता है, ठीक है, झारखंड से सीमा बनाता है और आपका छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है और आपका मध्य प्रदेश से सीमा। तो 4 राज्यों से ये सोनभद्र जिला है वो सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का ऐसा जिला जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन सहारनपुर, ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया है, अभी क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। नहीं, यहाँ पर जिले होगा भाई, क्वेश्चन जो है मिस्टेक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। तो कितना, 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 650 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम जो है, जो पूर्वी जिला मैंने आपको क्या बताया था, बलिया, ठीक है, अभी बताया था, पश्चिम क्या बताया था आपका, शामली। तो वहाँ तक की जो लंबाई है ना वो 650 किलोमीटर है, कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपको पता भी होगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 240 किलोमीटर, ठीक है। उत्तरी हमने सबसे जिला कौन सा बताया था, सहारनपुर, दक्षिणी कौन सा बताया था, सोनभद्र। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाले क्रमशः राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश जो राज्य सीमा बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था 9 राज्य सीमा बनाते हैं, 8 राज्य, 1 केंद्रशासित प्रदेश, उनमें से उत्तरी और दक्षिणी कौन सा है, कौन से बिंदु से कौन से राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उसका जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश से ही आपका सहारनपुर लगता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सीमा है वो सोनभद्र से, वो भी आपका दक्षिणी बिंदु है। तो राज्यों की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तर प्रदेश का बिहार सीमा से नहीं लगता, कौन सा जिला जो है बिहार सीमा से नहीं लगता है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको आराम से कर लेंगे, बाकायदा मैं डिटेल से क्वेश्चन को बताते आ रहा हूँ, तो आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाराणसी और बाकी देवरिया, कुशीनगर, ठीक है, 7 जो जिले हैं
उत्तर प्रदेश की वो सीमा बनाते हैं, वाराणसी जो है सीमा नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी NCR में सम्मिलित नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCR, ठीक है, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और अलीगढ़। तो उसका जो सही आंसर है वो आपका अलीगढ़ हो जाएगा, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत NCR में सम्मिलित जिले। एक ध्यान रखेंगे, यूपी के जो 8 जिले हैं वो NCR में सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, आपका एक तो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, बुलंदशहर आपका, गाजियाबाद आपका, ठीक है, हापुड़, ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, बागपत, शामली और है, ठीक है, तो ये जो हैं आपके 8 जिले हैं वो NCR में सम्मिलित हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं अभी तक, अलीगढ़ और आपका मथुरा, ये क्या हैं, ये प्रस्तावित हैं, आगे भविष्य में जो है सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन अभी सम्मिलित नहीं हुए, तो इसका आंसर आपका अलीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी NCR में सम्मिलित हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 8 जिले हैं, आराम से आपका आंसर आप दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो उसका जो आंसर पहले से टिक हो गया है तो आपका बी हो जाएगा, 1976 में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है पहला रखता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल से नहीं लगा है, नेपाल से मैंने आपको बताया 7 जिले लगे हैं, बाकायदा मैंने आपको सभी बता चुका, तो कौन सा जिला नहीं लगता है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है सीमा नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश राज्य सीमा बनाता है, निश्चित रूप से, ठीक है, दिल्ली बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के जिलों में दिल्ली से जिला सीमा बनाता है, अच्छा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो दिल्ली से सीमा बनाता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उसका निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, अगर आप वीडियो तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर पता होगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी ऑप्शन, गौतम बुद्ध भी नगर से भी सीमा बनती है और गाजियाबाद से भी सीमा दिल्ली बनाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ डिटेल से, तो उसके बाद सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7.33% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 17.5% जो कुल भारतीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला किसी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये क्वेश्चन आयोग ने ही पूछा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला है किसी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाता है, देवरिया, सहारनपुर, ललितपुर और हरदोई, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से हरदोई, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देवरिया जो है किसके साथ सीमा बनाता है, बिहार के साथ सीमा बनाता है, सहारनपुर किसके साथ सीमा बनाता है, ये तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ बनाता है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, ललितपुर भी MP के साथ सीमा बनाता है, लेकिन हरदोई जो है वो इनमें से किसी भी राज्य या किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी है, NCT को छोड़कर, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर छोड़कर बात हो रही है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, 8 राज्यों के साथ। ये क्वेश्चन जो है आयोग ने ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा, इसी वजह से मैंने ये चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में गलत विकल्प को चुने, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और हमीरपुर, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमीरपुर, क्योंकि लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये आपके क्या है, मंडल है, लेकिन हमीरपुर ऐसा कोई मंडल नहीं है, आपका जिले का नाम है, तो इसका आंसर जो अगर हम देखें तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बताते समय पहले बता रहा हूँ कि आप जो है वीडियो नोट्स के लिए टेलीग्राम जो है नीचे लिंक दे रखा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हिंदी का नोट्स और GK का नोट्स बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड जो है नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो
सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बदायूं। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा बदायूं। जो बदायूं जिला है वो जो है सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, 9 जिलों से सीमा बनाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और ये 100 क्वेश्चन मैंने 500 प्रश्नों की सीरीज में आज जो है समाप्त हो जाते हैं। अगला जो हम टॉपिक की बात करेंगे, अगले टॉपिक जो होगा उसकी हम जो 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर कम क्वेश्चन होंगे तो 2 टॉपिक सम्मिलित करेंगे, इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। नोट्स के लिए जो है आप नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप है आपका ये, ठीक है। चल बहुत बहुत धन्यवाद।